अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए चेहरों का ऐलान कर दिया है। मिकी आर्थर के बाद नया हेड कोच कौन होगा, इस बात का ऐलान हो गया। इसके अलावा इंज़मामुल हक की जगह पे नया चीफ सेलेक्टर कौन होगा ऐलान कर दिया। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाय किए आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो तरबियती कैंप शुरू हो रहा है उसके हवाले से। उसके बाद बताएंगे आपको नए कोच, नए चीफ सेलेक्टर और कप्तान के बारे में। दोस्तों, 19 अगस्त से शुरू होने वाले तरबियती कैंप में टोटल 20 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनकी तरबियत करेंगे मिसबाह लक, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रह चुके हैं। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम को नंबर वन टीम बनाने वाले मिसबाह लक अब खिलाड़ियों को तरबियत देंगे, कुछ नए स्किल सिखाएंगे कि किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरह प्रेशर मैच में कंबाइन करना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नए चीफ सेलेक्टर की। तो नया चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान का शुएब अख्तर को बनाया जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान टीम के नए कोच की, तो बैटिंग कोच के लिए यूनिस खान और मिसबाह हक का नाम शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। ज़्यादातर चांस मिसबाह हक के हैं, क्योंकि 19 तारीख से वो खिलाड़ियों को तरबियत देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, बॉलिंग कोच वसीम अकरम होंगे, जो कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के पास।